गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फर्स्ट सैटरडे कंप्यूटर के अंदर जो आज फर्स्ट और सेकंड यूनिट में जो हमने एमसीक्यू पढ़ाए थे उसके अंदर कुछ और एमसीक्यू हैं, इनको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन या बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट के डे में बता दी गई, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या है। इसमें चॉइस आपको काफ़ी सारी दे देंगे, सुपर कंप्यूटर में परम का नाम दे देंगे, अमेकस का नाम दे देंगे और भी कई सारे, लेकिन आपको लगाना क्या है, भारत में भी सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 1000, ठीक है। ये आपको राइट करना है, ठीक है, चारों में से, ठीक है। फिर हमारा है बाइनरी कोड कहलाता है। बाइनरी कोड को हम क्या बोल सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज, मशीन भाषा, असेंबली लैंग्वेज या मशीन असेंबली भाषा या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपको टेक क्या करना है, मशीनी भाषा, ठीक है। बाइनरी 0-1 के फॉर्म में होती है, ठीक है। जो कंप्यूटर समझता है सिग्नल्स का, जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है वो हमारी भाषा नहीं समझता, ठीक है। तो कंप्यूटर में कितने कौन से सिग्नल्स पास होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि लाइट से चलता है ना, कंप्यूटर लाइट से चलता है, तो लाइट से चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिग्नल्स। उसको थोड़ी ना पता रहता है कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हमारा जो भाषा लिखी जाती है वो कायमें चेंज होती है मशीनी भाषा में, इसे कंप्यूटर समझ सके। इसीलिए बाइनरी कोड को क्या कहते हैं, हम मशीनी भाषा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। मेन फ्रेम नाम का कंप्यूटर है जो हमारी थर्ड जनरेशन में आया था, उसका प्रयोग हम मुख्यतः कार्य करते हैं नेटवर्किंग का मतलब होता है एक जाल होना, ठीक है। उसमें एक मेन कंप्यूटर होता है और बाकी सारे कंप्यूटर उसकी टास्क को शेयर करते हैं, उसके प्रोग्राम को शेयर, ठीक है। फिर हमारा है सीपीयू का पूरा नाम है, सबको पता है सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है। मैं इसमें अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट भी लिख के देंगे, लेकिन आपको टिक क्या करना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग है, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला किया जाता है शिक्षा प्रशासन में, ठीक है, मैनेजमेंट में। शिक्षा को मैनेजमेंट करने के लिए हम शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। दूसरा, परीक्षा परिणाम, आजकल जो एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो सब चेक कब किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर्स में, तो परीक्षा परिणाम के लिए किया जाता है। थर्ड, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लगने लगी है, ठीक है, लगने लगी है कि नहीं लगी, स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी आया है, वो सारा कितना है, जो स्मार्ट क्लासेस है वो सभी पूरी की पूरी कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है। वो सब में मतलब हमारा शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर हो गया, एक तो मैनेजमेंट में, कितने स्टूडेंट हैं हमारे कंप्यूटर, हमारी शिक्षा जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर कितने स्टूडेंट है उसका डेटा हम कहाँ स्टोर करते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। अगर हम चाहें कि पर्टिकुलर डेटा आपका देख लें तो हम कहाँ स्टोर करके रखेंगे उसको, कंप्यूटर में, कि DLED की ये बच्ची है और ये बच्ची का ये रोल नंबर है, ये सब हम कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। दूसरा है परीक्षा परिणाम, जितने भी MCQ क्वेश्चंस होते हैं या आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, टेस्ट पेपर जो एग्ज़ाम आप देते हैं बैंकिंग वगैरह के सेक्टर में, SSC, वो सारा कहाँ यूज होता है, परीक्षा परिणाम हासिल करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस समझ लो, या फिर समझ लो आप जो आपकी स्मार्ट क्लासेस जो आजकल चल रही है छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर पढ़ाया था, तो उसमें एक कंप्यूटर और था जब इन दोनों को मिला के था तो बन जाता था हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको टिक क्या करना है, हाइब्रिड कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम है, पीसी वर्ड सुना है, पीसी को पूरा नाम क्या बोलते हैं, इसको पर्सनल कंप्यूटर,
क्या बोलते हैं, पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर। पर इनपुट डिवाइस क्या होता है? अभी बोलता है, ठीक है, पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? कंप्यूट, कंप्यूट मतलब होता है गणना करना। ठीक है, किस वर्ड से मिला है? आर हटा दो तो पूरा कंप्यूट बन जाता है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर वर्ड है वो किससे मिलकर बना है? कंप्यूट वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट उपकरण। इनपुट उपकरण वो उपकरण होते हैं या इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर में डेटा को अंदर एंटर कराते हैं। ठीक है, या डेटा को आप कंप्यूटर के अंदर देते हैं। ठीक है, वो सारे उपकरण कहलाते हैं हमारे इनपुट उपकरण। उसमें आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे पहला है। कीबोर्ड में आपको दिखते होंगे अल्फाबेट, सारे दिखते हैं तो उसमें सारे अल्फाबेट होते हैं, न्यूमेरिक कीज होती है, फंक्शन कीज होती है, स्पेस की होती है, उन सब की हेल्प से टाइप करके आप क्या करते हैं, डेटा में वो कंप्यूटर में डेटा को एंटर कराते हैं। उसके बाद आता है माउस। माउस क्यों होता है? माउस में जब भी हम कोई भी फाइल वगैरह होता है उसको सिलेक्ट करने का काम हमारा कौन करता है? माउस। ड्रैग करने का काम, खींचने का काम, या किसी आपको फाइल का प्रिंट आउट देना है तो आप माउस के थ्रू उसका प्रिंट आउट दे सकते हैं। ये भी क्या हो गई है? इनपुट डिवाइस। उसके बाद स्कैनर। स्कैनर सबको पता है डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए होता है। ठीक है, उसको कंप्यूटर के अंदर प्रिंट करा दिया जाता है, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है। ठीक है, लाइट पेन, डायरेक्ट स्क्रीन से कुछ ड्राइंग करना हो तो लाइट पेन का यूज करते हैं। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ये आपको गेम जोन में मिलती है, इसकी हेल्प से आप कंप्यूटर गेम में कोई भी गेम को खेल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है OMR, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये चेक OMR शीट जितनी भी होती है आपके, जितने चार में से एक सही आंसर करते हैं वो चेक कहाँ से होते हैं? हमारी OMR मशीन से। ठीक है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जितने भी चेक के नीचे वो दिए होते नंबर वगैरह वो सब रीड किए जाते हैं OCR मशीन से। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जितना डिजिटल सिग्नेचर वगैरह होते हैं वो सब रीड किए जाते हैं MICR। फिर बारकोड रीडर, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो बार कोड रीड करते हैं बारकोड मशीन से और उससे उसकी प्राइस को पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आउटपुट उपकरण है। अगर आपको इनपुट उपकरण में इनमें से कोई नहीं मिलता है तो आप कोई नहीं पे आंसर लगाते हैं। ठीक है, और अगर इनमें से कोई मिल जाता है तो आप राइट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आउटपुट उपकरण है। आउटपुट उपकरण मतलब जिससे डेटा, जिससे कंप्यूटर से हम आउटपुट को लेते हैं, कोई भी डेटा को प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट हमें मिलेगा वो कहलाएगा आउटपुट उपकरण। प्रिंटर, जब भी आप डेटा में कोई भी चीज आपने सेव करके रखी हो और उसका प्रिंटआउट निकालना हो हार्ड कॉपी के रूप में, आप किसका यूज करते हैं? प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद आता है प्लॉटर, जो आप बड़े बड़े फ्लैग्स वगैरह देखते हैं जो आपके बड़े बड़े बैनर्स बैनर टाइप। ठीक है, वो सारे प्लॉटर की हेल्प से प्रिंटआउट में निकाले जाते हैं। ठीक है, वो कंप्यूटर में पहले तैयार किया जाता है फिर उसको बड़े बड़े प्लॉटर की हेल्प से उसका फ्लैग्स का पूरा प्रिंटआउट निकाला जाता है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है? कंप्यूटर की स्क्रीन। अगर हमने 2+2 दिखाया करा तो कहाँ पर दिखाई देगा हमें? कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मतलब मॉनिटर। तो ये तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण होंगी, या जितनी भी एप्स कह लो आप जो आपके मोबाइल्स में भी रहती है जैसे गूगल हो, ये सब चीज़ें, जितनी भी एप्स हैं ये सारी क्या कहलाएंगी? आपकी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया अच्छे से, आप लगा लेंगे निशान। ठीक है, थैंक यू।